नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंटल लॉ के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप है, लेकिन एलएलबी में आपको ये सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और इसीलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट की एक आउटलाइन डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब है, जब भी कोई प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में आता है या फिर कोई यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने की बात करता है, तो गवर्नमेंट कई पहलुओं को डिस्कस करता है। उसमें से एक पहलू का नाम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले देखता है कि उस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद गवर्नमेंट देखता है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद गवर्नमेंट देखता है कि जो आदमी या फिर जो कॉरपोरेशन एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है उनको क्या फ़ायदा होगा। इसी के साथ गवर्नमेंट देखता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से नुकसान क्या होंगे, उन नुकसानों को रोका जा सकता है क्या, अगर रोका जा सकता है तो किन तरीकों से रोका जा सकता है, या फिर उस नुकसान को कम से कम करने के क्या तरीके हैं, और एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस सारी प्रोसीजर को हम लोग मतलब एक समरी के तौर पर कह सकते हैं कि इसे एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। ये था आपका एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन। Environmental impact assessment is a process of evaluating the likely environmental impact of a proposed project or development, taking into account interrelated socio-economic, cultural and human health impacts, both beneficial and adverse, from the different options of development of an area. इसका मतलब है, जब भी कोई development project आएगा तो उसके कई bidders होंगे, और गवर्नमेंट इन सारे पहलुओं को देखेगा कि उस प्रोजेक्ट के नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, और नुकसान को रोका कैसे जा सकता है। और गवर्नमेंट ये भी देखेगा कि जितने बिडर्स हैं उसमें से हमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल डील कौन देगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। UNEP डिफाइंस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एज अ टूल used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making. यानी decision लेने से पहले जो भी project के pros and cons हैं उनको identify करने के tool को कहा जाता है environmental impact assessment. Environmental impact assessment in India is statutorily backed by the Environment Protection Act of 1986, which contains various provisions on EIA methodology and process. ये जो environmental impact assessment का जो project है उसे Environment Protection Act 1986 द्वारा govern किया जाता है। 1986 का जो एक्ट है उसमें 8 प्रोसीजर थे, और 2006 में जो अमेंडमेंट आया उसके बाद एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने के 4 प्रोविजंस बताए गए हैं। हम लोग आने वाली स्लाइड्स में उन्हें डिस्कस करेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA: टू प्रेडिक्ट द एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट एट एन अर्ली स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। दूसरा है, टू फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तीसरा है, टू शेप प्रोजेक्ट्स टू सूट द लोकल एनवायरनमेंट। चौथा एम एंड ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिवेंट दोज प्रेडिक्शंस एंड ऑप्शंस टू पॉलिसी मेकर्स। यानी सबसे पहला एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसे देखना। इसके बाद में अगर फायदे होंगे तो उन फायदों को कैसे बढ़ाया जाएगा, या फिर नुकसान होगा तो उसे एलिमिनेट किस तरह से किया जाएगा, और अगर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तो कम से कम नुकसान किस तरीके से होगा, इन तरीकों को खोज के निकालना। और जो प्रोजेक्ट आएगा डेवलपमेंट का, वहाँ के लोकल्स को हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर इस प्रोजेक्ट को इन लोकल के शेप में कैसे ढाल सकते हैं, उस तरीकों को भी हमें खोज के निकालना है। ये गवर्नमेंट के सामने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और चौथा है, इन सभी तरीकों को
पॉलिसी मेकर्स के सामने, यानी जो एक्चुअली में इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को पास करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट में होगा तो एमएलएज एमपीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर सेंटर में होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनके सामने इन तरीकों को प्रेजेंट करना, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स माने जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें कितने स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहला स्टेक होल्डर है दोज हु प्रपोज द प्रोजेक्ट, यानी जो इंसान या फिर जो कॉरपोरेशन एक इलाके में डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वो सबसे पहला स्टेक होल्डर माना जाएगा। इसके बाद में द एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हु प्रिपेयर्स द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोनेंट, यानी जो इंसान प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वो पहले तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट बनाएगा, तो उस इंसान द्वारा निर्धारित की गई एजेंसी, ये दूसरी स्टेक होल्डर हो गई। तीसरी स्टेक होल्डर है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चाहे वो स्टेट का हो या फिर नेशनल का। अगर सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होगा तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक स्टेक होल्डर माना जाएगा, या फिर अगर स्टेट का प्रोजेक्ट होगा तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये तीसरा स्टेक होल्डर माना गया है। चौथा स्टेक होल्डर जनरल पब्लिक हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, यानी जिस इलाके में प्रोजेक्ट जा रहा है वहाँ की जनरल पब्लिक को भी एक स्टेक होल्डर माना गया है। पांचवा स्टेक होल्डर है द इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, यानी जिस इंसान ने डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लाया है वो एक एजेंसी लाएगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी हायर करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर करे, लेकिन उसे भी एक स्टेक होल्डर माना गया है। इसके बाद में आखिरी है रीजनल सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। अगर सेंटर का प्रोजेक्ट है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसे एक स्टेक होल्डर माना जाएगा, या फिर अगर स्टेट का प्रोजेक्ट है तो स्टेट की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, इसे भी एक स्टेक होल्डर माना गया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। 1976-1977 प्लानिंग कमीशन हैड आस्क द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एग्जामिन द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स फ्रॉम एन एनवायरमेंटल एंगल। टिल 1994 द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड लैक्ड लेजिस्लेटिव सपोर्ट। 1994 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 passed an EIA notification making environmental clearance mandatory for expansion or modernization of any activity or setting up new project listed in Schedule 1 of the notification. यानी 1994 तक जो environmental impact assessment की जो परिस्थिति थी वो राम भरोसे चल रही थी, लेकिन 1994 के बाद जब सेंटर गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, यानी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने जब एक्शन लिया एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसमें एक अमेंडमेंट लाया और एक नोटिफिकेशन पास किया, इसके बाद में एक्चुअल में जो एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसीजर है वो मैंडेटरी बन गया, और इस इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला एनवायरनमेंटल क्लियरेंस किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को विच इज मोर देन 50 करोड़, उसे मैंडेटरी किया गया। सितंबर 2006 न्यू एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट लेजिस्लेशन। द नोटिफिकेशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स सच एज माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, पोर्ट, हार्बर एंड एयरपोर्ट्स and industries including very small electroplating or foundry units to get environmental clearance. यानी इस notification में जितने भी mining के projects हैं या फिर जितने भी industries हैं जो specified है उनको environmental clearance लेना mandatory बताया गया है। However, unlike the EIA notification of 1994, the new legislation has put the onus on clearing the project on the state government depending upon the size and capacity of the project. 1994 तक का जो प्रोजेक्ट था वहाँ के जो गवर्नमेंट की स्थिति थी वो लोग प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट में अड़ंगा कैसे लगाया जाए ऐसे तरीकों की खोज करने में लगे रहते थे, लेकिन
2006 का जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि द ओनर्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन इज टू क्लियर द प्रोजेक्ट, यानी इस नोटिफिकेशन का जो फोकस है वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को क्लियर करने के ऊपर हमने रखा है। टिल 2006 देयर वर 8 स्टेप्स इन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, बट आफ्टर द 2006 अमेंडमेंट देयर आर ओनली 4 स्टेप्स इन द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। The EIA project after the EIA process after 2006, there are only 4 steps in the environmental impact assessment from the year 2006. They are screening, scoping, public hearing and appraisal. Screening, the project plan is screened on the scale of investment, location and types of development and if the project needs any statutory clearance or not. यानी जो भी प्रोसेस, जो भी प्रोजेक्ट आएगा, जो भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आएगा, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होंगी वो सबसे पहले स्क्रीनिंग करेगी कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कितना फंडिंग चाहिए, वो इंसान या फिर वो कॉरपोरेशन कितना इन्वेस्टमेंट करेगा और उस प्रोजेक्ट को स्टैट्यूटरी क्लियरेंस यानी किसी एनवायरमेंटल लॉ के अंडर क्लियरेंस चाहिए या नहीं। इसके बाद में स्कोपिंग, द प्रोजेक्ट्स पोटेंशियल इंपैक्ट्स, जोन ऑफ इंपैक्ट, मिटिगेशन पॉसिबिलिटीज एंड नीड ऑफ मॉनिटरिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। यहां पर दूसरा एग्जांपल है नाणा रिफाइनरी का। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किए जाने पर जो लोकल्स थे उन्होंने विरोध किया था। ये जो नाणा रिफाइनरी है वो सऊदी अरामको कंपनी का और हमारी जो इंडिया के मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल, बीपीसीएल एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन चार कंपनी का 50-50 जॉइंट वेंचर होने वाला था और ये नाणार सऊदी अराम को ये कंपनी इंडिया में 3,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाने वाली थी। नाणार में जो रिफाइनरी बनने वाला था वहाँ पर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया गया और वहाँ के यानी रत्नागिरी जिले के जो लोकल्स थे उन्होंने विरोध किया, तो उसे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रायगढ़ में शिफ्ट किया गया। रायगढ़ में एक सिटी है रोहा, वहाँ पर वो रिफाइनरी बनने वाली थी, लेकिन वहाँ के भी लोकल्स ने विरोध किया, तो अभी उस प्रोजेक्ट को कहाँ लेके जाए इसके ऊपर डिस्कशन चालू है और उसी के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जो एजेंसीज है वो रिलेवेंट ऑप्शंस को सर्च कर रही है इन द कोकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो आशा करता हूँ इन दो एग्जांपल से आपको स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो पब्लिक हियरिंग, जो मैंने अभी आपको कहा था कि लोकल्स ने विरोध किया था नाणा रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है वो रत्नागिरी जिले में ना आए, इसीलिए लोकल्स ने विरोध किया था और ये जो प्रोसेस था वो पब्लिक हियरिंग से हुआ था। ऑन कंप्लीशन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, पब्लिक एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स लिविंग क्लोज टू द प्रोजेक्ट साइट मे बी इन्फॉर्म्ड एंड कंसल्टेड। तो जो एनवायरमेंट के जो ग्रुप थे और पब्लिक के जो ग्रुप्स थे उनका भी कंसल्टेशन हुआ था और उन्होंने विरोध जताया और इसीलिए ये जो नाणार का प्रोजेक्ट है वो रत्नागिरी से निकाल कर रोहा लेके गए और रोहा से भी आगे ले जाने की सोच रहे हैं। चौथा प्रोसीजर, मतलब इस प्रोसीजर का चौथा हिस्सा है अप्रेजल। फॉर एवरी प्रोजेक्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिफाइड एंड एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स शुड बी कंपेयर्ड। अल्टरनेटिव शुड कवर बोथ द प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजीज। वंस अल्टरनेटिव्स हैव बीन रिव्यूड, अ मिटिगेशन प्लान शुड बी ड्रॉन अप फॉर द सिलेक्टेड ऑप्शन एंड इज सप्लीमेंटेड विथ एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EMP टू गाइड द प्रपोनेंट टूवर्ड्स द एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। यानी सारे क्लियरिंग्स मिलने के बाद उस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो एनवायरमेंट के ऊपर किस तरीके से कम रहे, इसीलिए हमें एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान ड्रॉ करना चाहिए। ऐसा गाइडलाइन बताता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टू द प्रपोजर, यानी जिस आदमी ने या फिर जिस कॉरपोरेशन ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने की सोची है उसे ये गाइडलाइन है कि जब आपको सारा एनवायरनमेंट का क्लियरेंस मिल जाए तो उस जगह के ऊपर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाओ कि एनवायरनमेंट के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट बने और इसके लिए आपको एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान EMP कंस्ट्रक्ट करना होगा और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। तो ये था एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर आफ्टर द ईयर 2006। अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट।
EIA links environment with the development for environmentally safe and sustainable development. EIA provides a cost-effective method to eliminate or minimize the adverse impact of developmental projects. गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी प्रपोज्ड डेवलपमेंट का प्लान आने वाला है उसके लिए बिड्स मंगवाता है और देखता है कि कितने बिडर्स हैं, कौन कितने प्राइस में बिडिंग कर रहा है और गवर्नमेंट को किस बिड को सिलेक्ट करने से सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल आउटपुट मिल सकता है, यानी कम से कम प्राइस और मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है, वैसी बिड्स को सिलेक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो लोएस्ट बिडर है उसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना पड़ता है और गवर्नमेंट का पैसा भी बच जाता है। तो इसीलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एनेबल्स द डिसीजन मेकर्स टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट वेल बिफोर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड। Environmental impact assessment encourages the adaptation of mitigation strategies in the developmental plan. Environmental impact assessment makes sure that the development plan is environmentally sound and within the limits of the capacity of assimilation and regeneration of the ecosystem. तो ये था environmental impact assessment का importance. अभी हमें लिखना है environmental impact assessment के shortcomings. There are several projects with significant environmental impacts that are exempted from the notification either because they are not listed in the Schedule 1 of the Constitution. The team formed for conducting environmental impact assessment studies is lacking the expertise in various fields such as environmentalists, wildlife experts, anthropologists and social scientists. यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो टीम है उसमें सरकारी अफसर शामिल है, लेकिन जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है यानी जो एनवायरमेंट के एक्सपर्ट्स है, एंथुजियास्ट है और इसी के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी ह्यूमन नेचर को समझने वाले लोग, सोशल साइंटिस्ट, इनका भी इंक्लूजन किया जाना चाहिए, लेकिन ये अब सिर्फ पेपर में रह गया है। एक्चुअल में जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट टीम असेसमेंट की जो टीम्स जाती है वो सिर्फ सरकारी अफसर होते हैं। तीसरा शॉर्टकमिंग है, पब्लिक कमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एट एन अर्ली स्टेज विच ऑफन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एट अ लेटर स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट क्लियरेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले आने वाले एग्जांपल में कहा था कि पब्लिक का जो ओपिनियन है उसे कंसीडर नहीं किया था और जब पेड़ काटे गए उसके बाद में प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट के चलते आरे से कंजूर मार्ग में उस पर्टिकुलर कार शेड को शिफ्ट किया था। तो पहले ही अगर पब्लिक का ओपिनियन हम लोग मद्देनजर रख लेते तो आरे के पेड़ नहीं कटते। फोर्थ शॉर्टकमिंग इज लो क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग इज नॉट एलेबोरेटेड इन द 2006 अमेंडमेंट। तो स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग का मतलब क्या है, उसे अच्छे तरीके से एलेबोरेट नहीं किया है और इससे क्या होता है, जो लॉ का डिसएडवांटेजेस लेने वाले लोग हैं वो स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं, रादर वो करते हैं और इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं बचता। देर आर सो मेनी केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज वेयर एरोनस डेटा हैज़ बीन यूज्ड, सेम फैक्ट्स यूज्ड फॉर टू टोटली डिफरेंट प्लेसेस। फ्रॉडुलेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इसे भी आप शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।